नमस्कार, मैं अमित कुमार मीडिया दरबार में आपका स्वागत करता हूँ। भारत में जहाँ एक ओर कोरोना वायरस का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो वहीं इसी बीच भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली खबर सामने आई है। सोमवार 13 जुलाई को दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार गूगल ने भारत में 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है। गूगल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटल कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। सुंदर पिचाई ने इस मौके पर कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गूगल कंपनी अगले 5 से 7 सालों में 10 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। ये निवेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट, साझेदारी और वर्तमान में चालू ढांचागत निर्माण के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने भारत की विदेशी कारोबार की रणनीति की तारीफ करते हुए कहा कि गूगल कंपनी का यह निर्णय दर्शाता है कि विदेशी निवेश के मामले में भारत आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। वहीं इस फैसले से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया को काफ़ी बढ़ावा और मदद मिलेगी। आइए जानते हैं कि गूगल किन क्षेत्रों में निवेश करेगा। हर भारतीय को उसकी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी उपलब्ध कराना। दूसरा, भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से नए प्रोडक्ट और सेवाओं को विकसित करना। तीसरा, डिजिटल माध्यम की तरफ अग्रसर हो रहे बिजनेसमैन को सशक्त बनाना। चौथा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गूगल के CEO सुंदर पिचाई से डिजिटल माध्यम के द्वारा बातचीत की। पीएम मोदी ने इस बारे में कई ट्वीट करके बताया कि आज गूगल के CEO सुंदर पिचाई के साथ कई गंभीर मुद्दों पर गहन बातचीत हुई। इनमें कोरोना के साथ दुनिया में बढ़ती तकनीक की महत्ता पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने गूगल के CEO के साथ अपनी बातचीत के बारे में ट्वीट करके बताया। उन्होंने कहा कि हमने भारत के किसानों, नौजवानों और उद्यमियों की जिंदगियों को बदलने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा की। दोनों ने कोरोना संकट के दौरान नई कार्य संस्कृति पर भी बातचीत की और साथ ही डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि वह गूगल के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों को जानकर बेहद ही खुश हैं, चाहे वे शिक्षा हो या फिर डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट का क्षेत्र आदि। उधर भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिचाई को भारत के डिजिटल कौशल के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में बधाई दी और उन्हें फंड के लिए धन्यवाद दिया। रविशंकर ने कहा कि निवेश बताता है कि भारत का समय आ गया है। पीएम मोदी ने पिछले कुछ दिनों पहले एक वैश्विक सम्मेलन में कहा था कि भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है। भारत कई अन्य देशों की तुलना में निवेश करने के लिए सबसे बेहतर जगह है। साथ ही उन्होंने साफ किया था कि आत्मनिर्भर भारत योजना देश की आत्मनिर्भरता के लिए है, ये विदेशी निवेशकों को बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान को साल 2015 में देश के समक्ष रखा था। इसके बाद उनके इस अभियान में गूगल का ये निवेश काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि अब तक इस अभियान को काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। सरकार के साथ साथ देश के आम लोगों ने भी डिजिटल इंडिया के अभियान में जमकर अपना योगदान दिया है। इस संबंध में सरकार ने कई योजनाओं को सामने रखा है, जिसमें ई लोन, जिसके तहत किसानों को लोन मुहैया कराने के लिए इस योजना का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही अब देखना यह है कि गूगल कंपनी का यह भारी भरकम निवेश देश की आर्थिक मंदी और कोरोना की मार से उबर पाने में कितना उपयोगी साबित हो पाता है और यह निवेश मोदी के आत्मनिर्भर अभियान को कहां तक लेकर जाता है और कितना फायदेमंद सिद्ध होता है। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या आने वाले 5 से 7 सालों में यह निवेश जमीनी स्तर पर उतर पाएगा और क्या इससे देश की आम जनता को किसी तरह का कोई लाभ मिलेगा या फिर सिर्फ बातों और चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगा। इस बारे में आपकी कोई राय या कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ।